देखो भाई, अब मैंने करण को बुलाया है और अब जो हाईनेस है उसको रॉयल एनफील्ड खींच के लेके जाएगी सर्विस सेंटर तक, क्योंकि ये दे चुकी है बिल्कुल जवाब। इसका जो फ्यूल पंप है जो भी है ख़त्म हो गया है, मतलब पता नहीं क्या हुआ है इसमें, पहले भी दिक्कत थी, अब स्टार्ट नहीं हो रही है। ये ब्लिंक कर रहा है। बस ये ऐसे हो रही है। और होंडा के मुंह पे मार के आते हैं और किसी नहीं। बहुत दिक्कतें आई हैं। तो आप बस कैसे निकलेंगे यहाँ से? खींचेगा तू और कैसे निकलेगी, खींच जाएगी आराम से, खींच जाएगी। यहाँ से हाँ ऐसे ही ले जाऊं, रस्सी उठा लियो यार, वो स्कूटी पे रखी है। कैमरा रख के धक्का दे, दोनों हाथ चाहिएंगे। यही तक अब दो बार थोड़े ना लेके जाऊंगा। पता है, समझ गया मैं। वो रस्सी ले क्या, रस्सी? अरे भाई थक जाते हैं यार, ऐसे नहीं यार, हद होती है यार। आजा, लगा लग आ रहा आ रहा। चलो चलो चलो। रुक जा, रेडी थ्री गो। स्कूटर पे रखी है, तो आज गुरिल्ला खींचेगी हाईनेस को 15 किलोमीटर सर्विस सेंटर तक। खराब हो गई है, फिलहाल गोरिल्ला चल रही है। गोरिल्ला मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे करण बैठा है, उसके पीछे मेरी हाइनेस है जिसको निपुण लेके आ रहा है, मतलब हाइनेस इसी से बंधी हुई है। क्या कर रहा है भाई? हाँ स्मूथ है, बढ़िया है। करण पीछे से निपुण की कमांड लेके मुझे दे रहा है, स्लो चलना है, तेज चलना है। अब दिक्कत बस ये है, कई बार ना जैसे वो तीन चूतिया थे एक स्कूटी पे, उनको लगा कि बीच में जगह है, हम बीच में को निकालेंगे, वो रस्ते में उलझ जाते हैं बीच में। इसकी हजार्ड लाइट कैसे ऑन होती है? अच्छा हाँ ठीक है, हो गया।
नहीं नहीं गुरिल्ला से हमें कैसे कैसे काम कराने पड़ रहे हैं, तब दिक्कत हुई क्या है। हाइनेस का जो फ्यूल पंप था वो पहले भी एक दो बार दिक्कत दे चुका था, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन अब क्या है, अब उसने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। हुआ क्या था, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, बाइक खड़ी हुई थी और आके मैंने चाबी लगा के बाइक ऑन की, तो जो फ्यूल गेज होता है वो पूरा का पूरा फ्यूल गेज ना ऐसे 1-2-3 1-2-3 ऐसे पूरा ब्लिंक कर रहा है। मतलब एक तो फ्यूल गेज में सिर्फ एक बार होता है, सिंगल बार अप डाउन ब्लिंक करते रहता है, उसका मतलब है फ्यूल लो, बट इट्स नॉट द फ्यूल लो। 8-9 लीटर के करीब उसमें फ्यूल है और वो पूरा बार अप साइड बाय साइड जो है वो ब्लिंक कर रहा है और बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट होने पे सिर्फ जो आपकी वो होती है कॉइल होती है, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है। फ्यूल ऐसा लग रहा है कि इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जब स्पार्क प्लग भी ख़राब होता है तब भी बाइक हल्की सी इंजन हल्की सी सांस लेता है, लेकिन अब इंजन बिल्कुल डेड है, एकदम डेड। तो होंडा वालों ने बोला, मेरा आरएस से जो था लास्ट ईयर ख़त्म हो गया, एक साल हो गया बाइक को, सॉरी लास्ट मंथ ख़त्म हो गया क्योंकि एक साल हो गया था बाइक को, और अब उन्होंने बोला कि हम आपको सिंगल डे का आरएस से दे देंगे, लेकिन वो 4,500 रुपये का होगा। और क्या बोलते हैं, जो अगर मैं रेगुलर आरएस से भी लेता हूँ 2,000 रुपये का, जो कि साल भर का होता है, वो 6 दिन बाद एक्टिव होगा, तो नॉट द पॉइंट टू बाई एनीथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपनी करण भाई की गुरिल्ला मंगाते हैं और इससे खींच के लेके चलते हैं। तो गुरिल्ला सेकंड गियर पे 28-30 की स्पीड पे उसको मस्त खींच रही है। तो बेसिकली अभी मैं बैठा हूँ 100 किलो का, मेरे पीछे करण बैठा है 70 किलो का, फिर 200 किलो इससे ऊपर की अपनी बाइक है, फिर उसके ऊपर 50-60 किलो का निपुण भी बैठा है। तो अच्छा खासा वजन गुरिल्ला फिलहाल खींच रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी हाइनेस की हालत, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पूरे रास्ते इसको खींच के लेके जाना पड़ रहा है रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला के से। तो फाइनली होंडा हाइनेस आ गई है शोरूम में, अभी देख के बताएंगे, बाकी खींच के लानी पड़ी हमें। हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं तो इसके बाद से करा के आप ही